जो दिखता है वो बिकता है। फ्रॉड के लिए बकरे ढूंढने नहीं पड़ते, बकरे सामने से आ जाते, आप बैल मुझे मार। हमारी इंडस्ट्री में हर दूसरा बंदा फ्रॉड है। They not wanting to come out of that वहम की दुनिया से। They're delusional। तो बोल दे वो कितना पैसा चाहिए, अब शॉक। Registration कौन से character के लिए होती है? हाँ, और बस फोन लॉक हो गया, आपके पैसे गए। वो पैसे बिना पति को बताए उधर दे देते हैं। Seriously? ये बाद में फ्रॉड होता है, फिर आता है मेरे पास। तो पूछा था, मैंने मना किया, बोले सर अक्षय कुमार जी का, I'm sorry to say the name। This is the sad reality of this industry, guys। आज का टॉपिक बहुत ही खतरनाक है मेरे गेस्ट की तरह। दिस इज माय फ्रेंड, यस, विपुल भट्ट जी, हु इज एन एक्टर, अ टीचर, एक्स टीचर, टीचर लेकिन हमेशा के लिए होता है लाइफ में, मैथ्स प्रोफेसर। मेरी एक्टिंग जर्नी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ही हैज दिस ग्रुप कॉल्ड विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स, जहाँ पे ये aspiring actors को audition information provide करते हैं और genuine information provide करते हैं। But आज के episode में हम इसके बिल्कुल opposite चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि industry में आने वाले लोगों के लिए विपुल जी एक बहुत ही बड़ा issue है, frauds, industry frauds। So आज का ये जो podcast है पूरा, जो भी सुन रहा है, देख रहा है, हम उन्हें educate करने की कोशिश करेंगे via you, because you are at the epicenter of this whole audition system, casting system. You provide that information to the actors. Young log aapse touch mein rehte hain, bade log touch mein rehte hain, Mumbai aa jaate hain muh utha ke, maine suna hai bina bataye, fir uske baad inko troubleshooting karni padti hai, bahut bacche logon ke liye unke maa baapon se baat karni padti hai. Aap is samay kis tarike se operate kar rahe ho, aapka pura kaam jo aap karte ho, aur ye frauds aapke samne aate kaise hain? Garima ji, हमारी इंडस्ट्री में आई वुड लाइक टू से कि हर दूसरा बंदा फ्रॉड है, हर दूसरा बंदा फ्रॉड है। इतना नहीं सोचा था मैंने, 10 में से 2 सोचे थे, हर दूसरा नहीं, नहीं सोचा हर दूसरा बंदा। और इनको फ्रॉड बनाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हम खुद है। द एक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग आउट द फ्रॉड इन देम, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल इकोनॉमिक्स में है, यहाँ पर भी वही होता है। अनफॉर्चुनेटली हम ये ग्लैमर वर्ल्ड से इतने इनामर्ड हो जाते हैं, हमको लगता है। और हमारे क्या यार दोस्त कभी कभी सही दोस्त होते हैं, कम होते हैं, बट ज्यादा जो तुमको 2 कप चाय पिला दो, अरे यार तू तो चिकना दिखता है, तू तो हीरो दिखता है बिल्कुल, है तेरे को हीरोइन बन जाना चाहिए, जा और तू 2 दिन में स्टार हो जाएगा। और ये छोटे शहरों में जो बंदे होते हैं, माँ बाप भी कभी कभी उनकी इनसे तंग आ जाते हैं कि जा तू के जो क्या कर सकता है कर, तो दे जस्ट कम अनप्रिपेयर्ड बिकॉज दे थिंक दैट ओके मैं तो बहुत चिकना दिखता हूँ, तो मैं आऊंगा और उधर बाहर मेरे को प्रोड्यूसर की गाड़ी लेने आ जाएगी, कल शूट होगा, परसों मेरा होर्डिंग लग जाएगा। सो ये जो उनकी गलत फहमियां हैं, उसको कोई दूर नहीं करता, रादर लोग उसको चढ़ाते हैं, फायदा उठाते हैं, उसको फायदा उठाते हैं, 2 कप चाय पी के, और उसका यार तू तो बहुत चिकना दिखता है, और ये बंदा बेचारा मान जाता है, he is not prepared at all. Oh my God. And जैसे मुंबई आता है देखता है कि मेरे जैसे 100 लोग चिकने कैमरे की लाइन में खड़े, एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां खड़ी है, मतलब पहले लड़की को लगता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बाकी को देख के पता चल रहा है कि नो देयर इज एन एक्स फैक्टर रिक्वायर्ड जो मेरे में नहीं है। तो जब ये पता चलता है, अब वो होता है कि नाउ व्हाट डू आई डू, मैं तो गांव में अपने छोटे शहर में बड़ी बड़ी बातें करके आया था, और यहाँ आके जो सच्चाई का पता चलता है कि आई स्टैंड नोवेयर इन दिस कॉम्पिटिशन, तब ये बंदे अपनी आवाज में अपनी लाचारी दिखाते हैं, और सामने वाले के सामने अपना पोल खोल देते हैं, और सामने वाला उसकी कीमत लगा देता है। आप जितने लाचार हो के सर 2 दिन का काम दे दो ना, व्हेनेवर यू गो टू दैट एक्सटेंट ऑफ बेगिंग फॉर वर्क, दैट फेलो डिमांड्स मोर आउट ऑफ यू देन व्हाट ही डिजर्व्स। तो कहीं ना कहीं एक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, एक्टर बनने आए हैं पर एक्ट के गुण लेके नहीं आए हैं, ट्रेनिंग करके नहीं आए। तो एक सेट पे मैं शूट कर रहा था, वहां जो मेरी बेटी बनी हुई थी, बेटी का बॉयफ्रेंड, रियल लाइफ बॉयफ्रेंड उधर सेट पे था, एंड आई ओवरहर्ड हिम टॉकिंग टू द कास्टिंग पर्सन, बोले यार मेरे को काम दे, मैं तेरे को पैसे देता हूँ। तो आई अच्छा, हाँ काम दे और मैं तेरे को पैसे देता हूँ। आई सेड यार हम यहाँ तो पैसे कमाने आते हैं, हम जब काम करते हैं कैमरे के सामने, वी आर पेड फॉर इट, व्हाई आर यू गोइंग टू पे फॉर इट। बोले सर मैंने सब कोशिशें कर ली है बट नाकाम हुआ है, अब मेरे डैडी जो है, मैं बोले हरियाणा से हूँ, जाट हूँ, किसान का बेटा हूँ, और पैसे बहुत है, पैसे बहुत है,
तो पापा ने बोला बेटा तू जब टीवी पे दिखेगा तो मैं तेरे को महीने के खर्चे के पैसे भेजूंगा, नहीं तो मैं नहीं भेजूंगा। तो अभी मेरे को कोई ना कोई शो में दिखना चाहिए, पापा को बोल सकते हो आप देखो वो शो पे और देखते हो मेरे पास महीने के 50,000 रुपए खर्चे के आ जाते हैं। तो ये लाइन में करप्शन लाने वाले हम खुद ही है, एक्टर्स ही हैं, क्योंकि जब डिमांड होता है तभी सप्लाई होता है। एक्टर्स लाचारी दिखाते हैं, बेसब्री से काम करते हैं, पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, टाइम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो ये काम है कि आज आप कास्टिंग करते हो फॉर एग्जाम्पल एंड यू हैव फाइनलाइज मी फॉर अ सर्टन रोल, और एक हर कैरेक्टर के लिए एक बजट दिया जाता है। Correct. और आपको एक बजट दिया है कि ये कैरेक्टर तुमको 5,000 में लॉक करना है। ओके, नाउ यू आर अबाउट टू कॉल मी अप फॉर दैट, और अब तुम जब मुझे फोन करोगे तो आप मुझे 3,000 से शुरू करोगे बार्गेनिंग करने के लिए। अब मैं बेसब्री से ये हूँ, लाचार हूँ, तो मैं उसके पहले आई एम गोइंग टू कॉल यू अप। अरे गरिमा जी बहुत दिन से कोई काम नहीं है, तो कुछ काम हो तो बताओ ना। आई हैव स्पॉइल्ड द एंटायर मार्केट, इकोसिस्टम ही खराब कर दिया, खराब कर दी। अब आप जो 5 देने वाले थे और 3 से शुरू करने वाले थे, दो मिलेंगे। आप मुझे बोलोगे विपुल जी देखो वैसे तो आपके लिए कोई काम नहीं है, बट मैं कहीं कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं आपको लगा दूं, एंड देन यू स्टार्ट विद 1.5 और 2 और मतलब 2.5 में बोला 2 बस 2 में फाइनल हो जाएगा। मैंने खुद ने अपनी मार्केट खराब की, नोबडी एल्स बट मी। लेकिन आपको पता है एक और चीज जो कास्टिंग की तरफ से हो रही है, जो एक्टर्स झेल रहे हैं, आप क्राफ्ट की बात कर रहे हो, अगर मैं पेशेंट भी हूं ना, मैं अपनी क्राफ्ट पे बिलीव करती हूँ और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया है और मेरे को बजट भी सब ओके हो गया है, अगर मैं आज उस बजट में बोलती हूँ ना नहीं यार मेरे को तो ना 10,000 पर डे ही चाहिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैं इससे कम में काम नहीं करती। आपको पता है अब प्रोडक्शन वालों ने, चैनल्स ने किसी को भी एक्टर बनाना भी शुरू कर दिया है, तो वो लोग 5,000 वाला आदमी भी ले आएंगे जिसे एक्टिंग नहीं आती होगी। तो ये दोनों तरफ से भी थोड़ा चल रहा है, दोनों तरफ से, है ना, इस तरफ से भी थोड़ा आ रही है ये चीज, ये हो रहा है। जो लोग 25,000 रुपए पर डे चार्ज कर रहे थे डेली सोप्स में, आज उन लोगों को 10,000 रुपए में भी काम नहीं मिल रहा, और वो 10,000 का भी वो बेचारे मतलब दे डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज किसी को भी काम दिया जा रहा है पैसों के बेसिस पे। नहीं, और दूसरा ये हो गया मैडम कि हमारी इंडस्ट्री में वी आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर फ्रेशर फेसेस, और जो फ्रेशर फेसेस से फायदा ये कि डेट्स अवेलेबिलिटी होते हैं, उनके नखरे कम होते हैं और पैसे भी बच जाते हैं। तो दैट इज व्हाई इंडस्ट्री में भी वो जितना हो सके उतना मतलब कास्टिंग वाला ये सोचते हैं पूरा ये एपिसोड आपको आपने 5,00,000 का बजट रखा है, मैंने आपको 2,00,000 में तैयार करके दे दिया, तो वो उतना उसका लाडला बनने जाता है। सो दिस इज व्हाट, सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि जो फंसे हुए एक्टर्स हैं उन्हें बज करना चाहिए अपने बजट से कि टिकना चाहिए अभी, मतलब व्हाट इज द राइट अप्रोच? आई वुड से आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। तो अगर हम बजट के हिसाब से कभी हम कम में कर भी ले तो अच्छा, एटलीस्ट हम दिखते तो हैं। अच्छा। और कभी कभी क्या कम बजट या बड़े बजट से ज्यादा वो रोल देख के किसी और ने आपको कहीं देख लिया तो उसको क्लिक होता है, अरे यार इसको मैं वहां यूज कर सकता हूँ, एटलीस्ट ही सीइंग यू दैट टाइम, सी ही नोज यू, एवरीबॉडी नोज यू इन द इंडस्ट्री, बट कभी एक पर्टिकुलर देयर वाज एक स्पार्क आ जाती है, अरे यार हाँ यार मैं इसी को तो ढूंढ रहा था, कम ऑन इसको की करो, दिखने से बिक सकता है मामला। बिल्कुल, जो दिखता है वो बिकता है। तो एट टाइम मनी को नहीं देख के भी एक अभी तक का जो सबसे इंटरेस्टिंग फ्रॉड केस आपने डील किया है जरा उसके बारे में बताइए, कैसे कैसे फ्रॉड्स होते हैं? फ्रॉड्स में तो बोलो तो एक देखो तो दूसरे भूल जाओ, दूसरे देखो तेरा पीपल, मतलब इसमें वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है, या वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है, इट डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला खरीदना चाहते हो, मतलब आप कितने बड़े बेवकूफ बनने जा रहे हो, आप में कितनी लाचारी है, आप कितने बेबस हो, उसके हिसाब से आपकी कीमत लगाई जाती है। तो देखिये ये फ्रॉड्स करने वाले जो है, जैसे ये वो लोग है वो जो यहाँ एक्टर बनने आए थे, अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट क्लिक, अब क्या मुंह लेकर घर जाएंगे? तो अभी पैसे तो कमाने हैं, बीवी बच्चे या जो भी है अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो पैसे सही ढंग से नहीं निकलते तो फ्रॉड करते हैं। अब फ्रॉड के लिए बकरे ढूंढने नहीं पड़ते, बकरे सामने से आ जाते, आप बैल मुझे मार काट, यस आप बैल मुझे काट, आप बैल मुझे मार, बकरे सामने से आ जाते हैं। क्योंकि ये जब आपके साथ जब बात करते हैं, पहले बात तो ये जो फिगर्स डालते हैं एक दिन के 25,000 30,000, इट्स सो इम्प्रेसिव, तो मतलब कोई भी मतलब लाइक मैं भी पढ़ता, मेरे को लगता है चल मैं भी अपना प्रोफाइल भेज दूँ 25,000। आप ये सोचो कौन देगा फ्रेशर्स के लिए 25,000 30,000, मतलब आप में ऐसी क्या बात है?
अब मैं इसे क्या पता है, I'm sorry to use this language, but I had a female, some weeks back की बात है, 30 plus female, बच्ची भी नहीं थी, 30 plus female. She joined me yesterday and today she said, Vipul ji, मैं आपसे कल से जुड़ी हूँ, मैंने आपने भेजे हुए जगह पे 25 जगह पे प्रोफाइल भेजा, अभी तक एक ने भी मुझे रिप्लाई नहीं दिया. कितने दिन में? एक ने भी 24 घंटे 24 घंटे के अंदर. अच्छा, कल आपसे ग्रुप से जुड़ी हूँ, बिटवीन यस्टरडे एंड टुडे मैंने आपने भेजे 25 जगह पर प्रोफाइल, किसी एक ने भी मुझे रिप्लाई नहीं दिया. सो आई सेड, मैम आई एम सॉरी इफ आई साउंड रूड, बट ये उसके पास तो हजारों प्रोफाइल आए होंगे, आप में ऐसी क्या खास बात आपने देखी है, आपने खुद ने अपने आप में ऐसी क्या खास बात देखी है कि वो उनको भी नजर आनी चाहिए कि वो बाकी सबको छोड़ के आपके पीछे पड़ जाए. See, we all carry wrong notions about ourselves. Reality check नहीं होता लोगों को. Reality check नहीं होता, and we are not ready to accept that. Yeah. अभी I'm talking of audition updates. हाँ. तो मेरे को किसी को profile देखने की ज़रूरत नहीं है. Hmm. But there are people who want to join me for free and they send me some beautiful photographs. Hmm. When I'm saying beautiful, I'm masking it as a beautiful. Okay. It is not beautiful. Yeah, ये photo भेज के sir please I can't pay. तो तुम ये photograph मेरे को what are you trying to do? So आपकी कमजोरी, आपकी लाचारी सब वो भांप लेते हैं और फिर कीमत लगाते हैं, अलग अलग तरह से कीमत लगाते हैं. देर वॉज एक बच्चे के माता जी का फोन था कि सर मेरे पास वो रजिस्ट्रेशन के पैसे मांग रहा है, I'm going to deal with registration. तो मैंने बोला माता जी एक भी रुपया रजिस्ट्रेशन नहीं देना. ओके okay, माताजी को बोला. अब माताजी ने उधर बोल दिया कि हमको तो सर ने रजिस्ट्रेशन देने को ना बोला है, आप किसी को बचाओ भी और सामने वाले के सामने वो आपका ही बैठ जाए. चलो ठीक है, वो बंदे ने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उसने देखा कि माँ अपने बच्चे के लिए और माताएं खास ध्यान रखे, प्लीज आप अपने बच्चे के प्यार में इतने पागल मत हो जाओ कि आपके बच्चे के फ्यूचर का सेविंग्स आप दूसरे के बच्चे के सेविंग्स के लिए बना दो, ये बच्चे के नाम से तुम बचत करो, एफडी ले लो, कुछ करो, वो पैसे बिना पति को बताए उधर दे देते हैं. सीरियसली? ये बिना पति को बताए दे देते हैं और बाद में फ्रॉड होता है फिर आता है मेरे पास. तो ये बंदे ने क्या किया, माता जी बोले चलो ठीक है रजिस्ट्रेशन ही, आपको बच्ची को एक शूट के लिए सिलेक्ट किया है, हमको ऊटी जाना है और ऊटी जाना है तो बच्ची का तो टिकट का हो जाएगा हमारी तरफ से, बट आपकी टिकट का फेयर का आपको पैसा देना पड़ेगा. नाउ व्हेन यू गो फॉर अ शूट आपका आना जाना खाना पीना रहना सब प्रोडक्शन के खर्चे से होता है, अगर एक बच्चा साथ में हुआ तो बच्चे के साथ एक पेरेंट्स पेरेंट अलाउड है. माँ ने जो अपनी आपको उसके सामने खुल के रख दिया था, दैट फेलो न्यू कि भाई ये माता जी आ जाएंगे, शी शेयर उतर चुकी 23,500 फ्लाइट की टिकट के, बिकॉज बच्ची के साथ जाना है, बच्ची फाइनलाइज हो गई है. बाद में उस बंदे ने फोन उठाना बंद कर दिया. देन शी इज टेलिंग मी विपुल जी ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं बोला मैडम आपने जब 1,500 के लिए मेरे को पूछा तो ये 23,500 देने के पहले मेरे को पूछ लेते ना. सब सुपर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, बट समवेयर वी आर रिस्पॉन्सिबल ना, वी आर. ये कि भाई वो पैसे मांग रहे तो थोड़ा सोचो और इन दैट केस आई थिंक डिस्कस इट विद योर फैमिली, क्या ये 25,000 इसके लिए देना जायज है क्या. अच्छा देख, तो एक तो सिंस रजिस्ट्रेशन का वर्ड आ गया तो मैं बताऊं, फ्रॉड के जो अलग अलग रूट्स है वैरायटीज, अब एक जगह है रजिस्ट्रेशन. सर ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के लिए आपको आना है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन कौन से कैरेक्टर के लिए होती है? हाँ, तो सिंटा में रजिस्ट्रेशन होती है गाइस, सिंटा में रजिस्टर करो अगर एक्टर बनना है तो, और कहीं रजिस्ट्रेशन मत करो. नहीं तो ये लोग क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन, मतलब कि सर ये कैरेक्टर बट में हम आपके ही इसको प्रमोट करेंगे. तो मतलब ये बंदे को मैंने कास्टिंग वाले को पूछा, मतलब जो फ्रॉड था उसको, कि रजिस्ट्रेशन तूने गरिमा जी से लिया, उस कैरेक्टर के लिए और कितनों से रजिस्ट्रेशन लिया? तो बोले जितने भी प्रोफाइल पे सबके लिए रजिस्ट्रेशन, मतलब सबके पास से रजिस्ट्रेशन. तो मतलब अगर मैं 50 लोगों को बोलती हूँ कि तुम्हें रजिस्टर कराना है और उन्हें तो नहीं पता वो कितने लोगों में से स्टैंड कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है मैं तो शायद टॉप 3 में हूँ. हाँ, तो मतलब वो 50 आदमी से सबसे रजिस्ट्रेशन ले लिए तो दिन में ऐसे तो पैसे, मतलब एक बंदे ने तो मेरे से इतना गर्म हो गया था, वो आर्टिस्ट कार्ड के नाम से 10,300 ले रहा था सबसे. मैं बोले यार 10,300 तो सबको, इतना तो सिंटा की फीस भी नहीं है. नहीं है वही तो. तो जब मैंने रोका तो अच्छा हमारा किसी का भला करते, एक्टर का भला, एक्टर सामने वाले को लाडला बनने के लिए बोलते थे विपुल भट्ट ने ऐसे ऐसे कहा है. वो बंदे ने सामने से मुझे फोन किया था वो कितना पैसा चाहिए, मैं बोला किस चीज के लिए, बोले तू मेरा घेरा क्यों तोड़ रहा है, आज के दिन से कम से कम मेरा 1,00,000 रुपए का तो ना नुकसान कर रहा है, 10 लोग पैसे देने वाले थे, 10 लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए तेरी वजह से, तो बोल तेरे को कितना पैसा चाहिए. आई वाज शॉक्ड.
ऑफ कोर्स तो ये होता है कि आप शॉर्टकट मत लो। एक और बंदी के माताजी ने मेरे को पूछा था, मैंने मना किया, बोले सर अक्षय कुमार जी का, आई एम सॉरी टू से द नेम, एक बड़े आर्टिस्ट का फोटोग्राफर है और उसने बोला कि आपकी बच्ची का पोर्टफोलियो मेरे पास करवा दो और मैं आपको अक्षय कुमार की नेक्स्ट फिल्म में बच्ची को अच्छा रोल दिलाता हूँ। अक्षय कुमार जी का फोटोग्राफर है और उन्होंने मेरे मना करने पर भी 2 लाख रुपए दिए थे। अच्छा पहले तो मेरे को 50,000 बोले थे, अभी कुछ दिनों पहले बात हुई 2 लाख रुपए दिए थे पोर्टफोलियो के लिए और बस वो 2 लाख गए। एंड लेट मी टेल यू, फोटो खींच के दिए कि नहीं उसने 2 लाख के बदले में? तो मैंने वो पूछा ही नहीं, पर 2 लाख के फोटो भी वो क्या करेंगे, बिकॉज सी नाउ डेज एक्टिंग में पोर्टफोलियो के फोटोग्राफ्स नहीं चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइज, आजकल सबको नेचुरल पिक्चर्स चाहिए होते हैं, पहले के वो जो फोटोशॉप्ड चीजें भेजी जाती थी पोर्टफोलियो खिंचवाओ कोई नहीं मांगता है ना। ओनली फॉर मॉडलिंग, मॉडलिंग शूट के लिए अलग, दैट इज डिफरेंट। एक्टिंग में यू नीड नेचुरल फोटो, सेल्फी मांगते हैं लोग, सेल्फ ऑडिशन मांगते हैं, उतना देख के ही आजकल काम चलता है। तो पोर्टफोलियो में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। अच्छा बच्चों के पोर्टफोलियो, 4 या 5 साल की बच्ची को 40,000 रुपए पोर्टफोलियो की, यस, और माँ देती है। मैं बोला मैडम आपकी ये बच्ची अभी कितने साल की, बोले 3 साढ़े 3 साल की, मतलब 3 साढ़े 3 साल की उम्र उसके कितने साल तक रहेगी? तो कंफ्यूज, सर आप क्या पूछ रहे हैं? मैं बोला ये आपने 40,000 का जो खर्च किया ये कब तक चलेगा आपको? तब उनको अक्ल आती है कि तभी भी नहीं आएगी, हम तभी भी नहीं आती, बिकॉज यू क्रेजी अबाउट इट। एग्जैक्टली, आपने जो सपने अपने लिए देखे थे ये होता है हमारे पेरेंट्स का, कभी पेरेंट्स अपना वो बच्चों के थ्रू पूरा, बच्चों के जरिए पूरा ये करने की कोशिश कर रहे, चलो करो करो, बट ऐसे 40,000 का पोर्टफोलियो से काम कहां मिलने वाला, बिकॉज आफ्टर 6 मंथ्स दैट बच्चा बड़ा हो जाएगा, आउटडेटेड करे, तो ये उस वक्त सोचते नहीं है। तो पोर्टफोलियो के नाम से फ्रॉड होता है, रजिस्ट्रेशन के नाम से फ्रॉड होता है, आर्टिस्ट एक को काम मिलेगा बट 40 लोगों से 50 लोगों से पैसे लिए जाएंगे। सो रजिस्ट्रेशन कोई बोले तो पैसा क्यों देना है? नो, यू डोंट नीड टू गिव रजिस्ट्रेशन फीस पोर्टफोलियो के नाम से, नहीं, थोड़ा दिमाग लगा लो तो फ्रॉड क्या, अपने खुद के भी पैसे बाकी जो रिक्वायर्ड होते हैं वो भी बच जाएंगे, बहुत बच जाएंगे। इनको पता नहीं क्या क्या मार्केटिंग करनी है, क्या पूछना है, क्या होमवर्क करना है। आरएनडी जो होता है ना वो हर माँ को एक होना चाहिए, आरएनडी डिपार्टमेंट होना चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, व्हाट टू डू। आई एंटरटेन 20 to 25 calls गिविंग 20 to 25 minutes ईच एंड ट्राई टू काउंसिल देम, उनको उनके सोशियो इकोनॉमिक पोजिशन जान के उनको सलाह देने की कोशिश करता हूँ। बट कई लोग इतना बोलने के बावजूद भी बोले सर मैं मेरी गरीब माँ का सपना पूरा करने के लिए कर रहा हूँ, सर मैं जब भी आईने के सामने खड़ा रहता हूँ मेरे अंदर का कलाकार वो रुकता है। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स। अब इससे ज्यादा तो हम क्या कर सकते हैं? दे आर नॉट वांटिंग टू कम आउट ऑफ दैट वहम की दुनिया से, दैट डेल्यूजनल, यस, यू नो दैट्स द वर्ड, डेल्यूजनल। वो अपने ही वो उसमें खोए रहना चाहते हैं, अपने ही चीज में बनाए हुए ताने बानों में। अच्छा कहीं ना कहीं माँ बाप, यहाँ बेटा तू कर सकता है, तू कर, इट्स गुड टू बी पॉजिटिव बट एट द सेम टाइम बी रियलिस्टिक, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। बिकॉज कई बोलते सर हमारे जज्बातों की आप कदर में, बोला आपके जज्बात अगर किसी की जान लेते हैं तो फिर आई विल नॉट एक्सेप्ट दोस जज्बात, कि आपके जज्बात है, आपने बुढ़ापे में माँ बाप के पैसे आप खींच लेते हो, उधर बाप और माँ तुमको बोलेंगे नहीं उनकी क्या हालत है, तो क्या योर जज्बात इज मोर इम्पोर्टेंट देन देयर लाइफ, देन देयर हंगर, देन देयर पॉवर्टी, देन देयर ओल्ड एज? ये अगर तुम्हारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तुम एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हो, तुम आज 10 साल इधर जाके फिर वापस अपने बाप की दुकान पे जाओगे, वहां पर फिर भी यू आर गोइंग टू बी द प्रोप्राइटर, यू आर नॉट लूजिंग योर पोजीशन। बट अगर आप कहीं जॉब छोड़ के आए हो फॉर एग्जाम्पल, और 2 साल के बाद अगर आप फिर से सोचो कि मैं अपने जॉब पे जाऊंगा, तो 2 साल के बाद जाओ और 4 साल के बाद जाओ और 5 साल के बाद जाओ, यू हैव लॉस्ट योर सीनियरिटी, आप अपने से नीचे के लोगों के नीचे काम करोगे, यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उस दरमियान यू हैव ग्रोन अवे फ्रॉम योर फैमिली ऑल्सो, बिकॉज इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली यू डोंट एक्सपेक्ट द फैमिली टू लुक अप टू यू। लास्ट जुलाई एक सेट पे नायगांव में एक सेट पे एक बंदे को हार्ट अटैक आ गया एंड ही एक्सपायर्ड, ओके, ही लेफ्ट बिहाइंड हिज वाइफ विद 3 daughters। ओह माय गॉड, एंड वाइफ इज अनएजुकेटेड, बच्चियों के अभी वो पढ़ाने की कोशिश करे, उसके ससुराल वालों ने तो हाथ धो दिए हैं थोड़ा बहुत इधर उधर से, एंड वॉट एवर लाइक विद इन माई कैपेसिटी आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी ऑफ एनी यूज टू हर। बट कहने का मतलब है कि वो बंदा जब खुद सेटल नहीं था, आई डोंट वॉन्ट टू, मतलब ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे, पर एक है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तब लो जब आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो। आप खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो और आपने एक
शादी की, 3 बच्चे और अभी आपको अटैक आया. देर आर नो सेविंग्स, देर इज नो बैकअप प्लान. आई रियली सिंपथाइज विद द लेडी एंड द वे शी ब्रिंग्स हर 3 किड्स. सो सैड, इट इज द सैड रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री गाइस. दूसरी एक बात, विच इज नॉट कंसर्न विद फ्रॉड, बट एक जो होता है जो माँ बाप कभी कभी अपने सपने अपने बच्चों पे लाद देते हैं. जब आई वॉज एक्टिवली इन टू गिविंग ऑडिशन, उस जमाने में तो ऑनलाइन ऑडिशन नहीं होते थे. सो आई मूविंग थ्रू आरामनगर, आई केम अक्रॉस अ लेडी जिसका छोटा सा क्यूट बच्चा था, शायद 5th क्लास में था. वो ऑडिशन के लिए आई थी. बाद बाद में पता चला शी इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम उल्लासनगर. नाउ दोज हु नो द ज्योग्राफी ऑफ बॉम्बे नो व्हाट इज उल्लासनगर एंड वेयर इज अंधेरी. तो पता ये चला कि बच्चा सुबह स्कूल में जाता था फ्रॉम 7 to 1, आके खा के थोड़ी देर आराम करके मम्मी उसको लेके निकल पड़ती थी. बोलो मैडम आप कहीं ना कहीं आई यू नॉट, मतलब हम लोग चाइल्ड लेबर के लिए कायदे कानून की बात करें, आप क्या करें? नहीं सर उसको शौक है ऐसा वैसा. मतलब बेटा उसको शौक है, अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यू आर सपोर्टिंग इट, या कहीं ना आपका ही शौक होगा. बट चलो इट वॉज थोड़ी कॉल लेगा उस एज में अपने लिए. अब तभी तो कुछ नहीं हुआ, कुछ वक्त बाद मुझे मिले एंड शी वॉज इन टीयर्स. वाई? बच्चे को एक जगह कंटिन्यूटी मिली. अब कंटिन्यूटी मिली तो हम लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं. अब हुआ ये कि उल्लासनगर रहते थे, तो उधर से गाड़ी लेके आना, तो 5 बजे निकलते थे. पता चला सेट पे कोई एडी उधर का ही था, तो प्लीज पिक मी अप. तो पिक मी अप का भलाई करने गए वो अलग बात है. अब ये होता था कि ये जो बंदे को लेके आते थे, ही यूज्ड टू टॉक टू द शेड्यूलर के लास्ट सीन इसका, फर्स्ट सीन और लास्ट सीन. दिन भर बच्चा बैठा रहता था डूइंग नथिंग उधर, स्कूल भी मिस, खाना पीना सब कुछ इरेगुलर, बिकॉज उस गाड़ी में लिफ्ट मिल जाती थी इसलिए. ये भी तो फ्रॉड ही है ना विपुल जी. सो आई वुड ब्लेम दिस मदर. और कई बार माता और पिता लोग जो है जो बच्चों के ऊपर ज्यादा बोझ लाद देते हैं, अपने सपनों का बोझ, डोंट डू दैट. थिंक ऑफ इट कि जब आप वो पूरा नहीं कर सके तो आप उस बच्चे के ऊपर क्यों इतना जुल्म कर रहे हो. लेट हिज डेस्टिनी बी डिसाइडेड बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. डोंट फोर्स योर ड्रीम्स ऑन टू देम. दैट इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू. एंड बाकी तो फ्रॉड की अलग अलग जो चीज, एक तो आर्टिस्ट कार्ड, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा है किसी भी आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत नहीं है. तो पहली बात तो कोई आर्टिस्ट कार्ड के नाम से आपके पास पैसे मांगे तो समझ जाइएगा बंदा फ्रॉड है. आर्टिस्ट कार्ड के लिए जेन्युइन इंस्टीट्यूशन अगर है, एक सिंटा है जिसमें अमिताभ बच्चन जी बोलो, जितेंद्र जी बोलो, ये सारे लोग जो मेंबर्स है. सिंटा का आर्टिस्ट कार्ड हो तो अलग बात है, बट सिंटा का आर्टिस्ट कार्ड भी किस लिए काम लगता है? नो प्रोडक्शन हाउस आस्क यू. आर्टिस्ट कार्ड तब काम लगता है अगर आप कहीं कोई मुसीबत में फंस जाते हो, कहीं आपका पेमेंट अटक जाता है, तो सिंटा है. दे आर द बॉडी, ऑफिशियल बॉडी जो रिजॉल्व करता है उस चीज को. तो एज एन एक्टर इट्स एडवाइजेबल टू हैव अ सिंटा मेंबरशिप. बिल्कुल, बिकॉज कभी भी आप फंसोगे, पेमेंट नहीं आई 3 महीना बोल के, 1 साल तक आपकी पेमेंट नहीं आई. बड़े बड़े केसेस हुए अभी शोज को लेकर, आप लोगों को पता होगा. सिंटा ऑफिशियली इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड. दैट्स राइट. तो आर्टिस्ट कार्ड लेना भी हो तो सिंटा से, बाकी कोई आर्टिस्ट कार्ड बेचने की कोशिश कर रहा, आई एम यूजिंग द वर्ड बेचने की. आर्टिस्ट कार्ड इज अ मेंबरशिप ऑफ अ सर्टेन एसोसिएशन व्हिच इज गोइंग टू फाइट फॉर योर वेलबीइंग. अगर कोई बोलता है नहीं तुझे ये रोल मिल रहा है, अगर तू ये आर्टिस्ट कार्ड ले रहा है मतलब समझ जाओ वो रोल है ही नहीं. आर्टिस्ट कार्ड के बहाने वो तुमसे पैसे ले लेगा और फिर वो नंबर तुम्हारा ब्लॉक हो जाएगा. सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट वर्क आउट ऑफ देयर जिसने तुम्हें आर्टिस्ट कार्ड भेजा है. तो अगर मैंने एक आर्टिस्ट कार्ड दिखाया, मेरे पास ये आर्टिस्ट कार्ड है, वो बोलेगा ये नहीं चलेगा, मेरा वाला आर्टिस्ट कार्ड लो. और तीसरा वाला बोलेगा मेरा वाला आर्टिस्ट कार्ड लो. सो डोंट गो आफ्टर आर्टिस्ट कार्ड, दैट इज वन थिंग. दूसरा आजकल कुछ नया हो गया है कि भाई आपको अग्रीमेंट साइन करने के लिए हैदराबाद आना है, अग्रीमेंट साइन करने के लिए. नाउ व्हाट रबिश इज दैट, अगर कोई आर्टिस्ट फाइनल भी होता है तो सेट पे फर्स्ट डे पे अग्रीमेंट आ जाता है उधर ही साइन. ऑनलाइन ईमेल भेज दो, स्कैन करके साइन करके कॉपी भेज देंगे वापस. क्या बोलते हैं अग्रीमेंट साइन करना है, आपको कल के कल आना है, कल अग्रीमेंट साइन करना है. ये नया वाला है, ये वाला मैंने नहीं सुना. अच्छा ये नया वाला है. अभी फ्लाइट की टिकट्स बोले आपको ये कोड देता हूँ उससे आप फ्लाइट टिकट बुक करो, तो आप बुक करने जाते हो नहीं होता है. फिर बोलते हैं चलो आपके पास कोड काम नहीं करते, यू डू वन थिंग, सेंड मी दिस मच अमाउंट, आई विल बुक द टिकट्स फॉर यू और कल आपको आना है. एंड यू सेंड दैट अमाउंट टू यू और बस फोन ब्लॉक हो गया, आपके पैसे गए. सो बीवेयर ऑफ, आपको बाहर बुलाए, nobody has any right to call you anywhere out of your place of residence, at least not for signing an agreement. And if they call you, they have to send you the tickets and proper second AC or third AC or flight tickets. बाकी बोले सर आप आ जाओ, हम आपको बाद में पैसे देंगे. डोंट ट्रस्ट. बाद में पैसे वो नहीं देते, आपसे पैसे ले लिए जाते हैं गाइस. ये बहुत बड़ा इशू है. आप अपनी कमजोरी दे दो,
कोई बोले लीगल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट का बहाना बनाएंगे, या बोले आपके कॉस्ट्यूम के लिए पैसे देने, आपके लिए हम सिलाएंगे, कल को आप नहीं आए तो हमारा पैसा बेकार, इसलिए आपको अच्छा। ये सब फ्रॉड, दीज आर ऑल दीज फ्रॉड्स दैट आर हैपनिंग। और कोई अजीबो गरीब जगह पे अगर प्रोडक्शन हाउस की ऑफिस है तो थोड़ा सोच लीजिएगा कि सब प्रोडक्शन हाउस एक तरफ है तो ये बंदा इतना अजीबो गरीब अलग क्यों है, तो थोड़ा सोच, एवरीथिंग यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, डोंट सरेंडर योरसेल्फ, अपने दिमाग को छुट्टी पे मत भेजो, दिमाग को एक्टिव रखो एंड देन डू ऑल द ऑडिशनिंग दैट यू हैव टू डू। आई थिंक दैट शुड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, बट इफ यू स्टिल हैव एनीथिंग आई एम देयर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू विपुल जी अगेन फॉर डूइंग दिस। इट वॉज माई प्लेजर एंड माई प्रिविलेज एंड आई टू बी ऑफ सम गुड सर्विस टू सोसाइटी। एब्सोल्युटली थ्रू यू इट इज हैपनिंग एंड आई एम रियली प्रिविलेज्ड टू। बस मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बोल दो, मैं सारे गेस्ट से ये बुलवाती हूँ। दोस्तों ये गो नेचुरली, बोलना क्यों पड़े अच्छी चीजों के लिए, तो इट जस्ट गोज नेचुरली, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम ग्लैड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।